तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि PUBG मोबाइल के बहुत सारे वर्जन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि PUBG मोबाइल ग्लोबल, PUBG मोबाइल कोरियन, PUBG मोबाइल चाइनीज और PUBG मोबाइल वियतनाम, जिसको PUBG मोबाइल VNG के नाम से भी हम जानते हैं। तो PUBG मोबाइल VNG बोलो या फिर वियतनाम बोलो, दोनों एक ही बात है, गेम तो एक ही है। तो PUBG मोबाइल ग्लोबल में कैसे यूसी परचेस करना है, मैंने वीडियो बना रखा है। कोरियन में कैसे करना है, मैंने वीडियो बना रखा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि PUBG मोबाइल VNG यानी कि वियतनाम वर्जन में आप यूसी कैसे परचेस कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, PUBG मोबाइल VNG यानी वियतनाम में आप यूसी परचेस UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम तब आती है जब आप UPI ऑप्शन चूज करोगे ना, तो जो है UPI ऐप में नोटिफिकेशन आता है पेमेंट करने का, वो कभी कभी नहीं भी आता है। तो ऐसे में अगर आपको अर्जेंट यूसी चाहिए तो पता चलेगा UPI का ऐप में आपको नोटिफिकेशन मिला नहीं, तो आप पेमेंट करोगे कैसे, प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक परमानेंट सोल्यूशन देने वाला हूँ, जो कि है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप परचेस करो, डेफिनेटली कभी भी आप कर पाओगे। लेकिन उसमें क्राइटेरिया ये है कि आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जो है वो वीज़ा इनेबल होना चाहिए और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है कि ऑन होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसलिए ऑन होना चाहिए क्योंकि जब भी आप प्ले स्टोर पर अपना कार्ड को ऐड करोगे तो वहाँ पे अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन नहीं है तो आपका कार्ड जो है कि वहाँ पे ऐड ही नहीं होगा, ये प्रॉब्लम देखने को आती है। आपका पेमेंट इंडियन रुपीज़ में ही होगा, लेकिन प्ले स्टोर पे कार्ड ऐड करने के बाद आएगी तो होगा ही नहीं, और बिना कार्ड ऐड किए आप पेमेंट कर नहीं पाओगे। तो अगर आपके पास ATM कार्ड है यानी कि डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है वीज़ा इनेबल, तो आप बैंक से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट करवा लेना, फिर आप प्ले स्टोर में ऐड कर लेना। ओके, तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कार्ड कहाँ पे ऐड करना है और जो है कि पेमेंट कैसे करना है और इसे कैसे बाय करना है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने ATM कार्ड को यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को जो कि प्ले स्टोर में ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आना आपको प्ले स्टोर पर, और यहाँ से आने के बाद आपको आना है अपने प्रोफाइल पर। ठीक है, यहाँ से आने के बाद आना पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इस पर टैप करना है। फिर आना है पेमेंट मेथड्स पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कार्ड ऐड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीज़ा इनेबल कार्ड है मेरा 6799 लास्ट नंबर है कार्ड का, ऐसे ही UPI ID भी यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लिखा है ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इस पर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे अब अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर और कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल के सेव कर देना। ठीक है, सेव कर दोगे यहाँ पे कार्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम मेरा यहाँ पे ऐड है वीज़ा 6799 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने बाद आपको करना यह है सिंपल से क्लोज करना, आपका काम खत्म, सीधा आना है गेम पे। ठीक है, ये हमारा है PUBG मोबाइल VNG यानी कि वियतनाम वर्जन, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है VNG यहाँ पे यानी वियतनाम वर्जन है। ठीक है, तो इसे ओपन होने देते हैं, फिर मैं आपको UC बाई करके दिखाऊंगा कि आप इसलिए UC कैसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा गेम ओपन हो चुका है, हम इसे क्लोज करते हैं। ठीक है, ये मेरा आईडी है वियतनाम वर्जन का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे UC ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो UC ऐड पे हम टैप करते हैं और यहाँ से आप देखो यहाँ पे हमारा जो सीजन 18 का परचेस बना था जिसमें फ्री आउटफिट जो है देखने को मिलता है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, ग्लोबल वाला, ये एक फ़ायदा है आपका वियतनाम वर्जन में। ठीक है, UC मेरा 0 है, यहाँ पर रेट लिखा हुआ है 60 UC का 82 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो 5% एक्स्ट्रा आपको लगेंगे पेमेंट का। ठीक है, 82 रुपये का UC खरीदोगे तो 82 रुपये प्लस 5% लगेगा कार्ड पे यूज़ करने पे। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ पहले ही, जितना यहाँ पे पैसा दिख रहा है उससे ज़्यादा पैसा कटेगा। ठीक है, तो मैं इस पर टैप करता हूँ, 60 UC पर बाई करके देखता हूँ, यानी कि आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा UPI ID चूज़ है। ठीक है, मैं टेस्ट कर रहा था इसलिए यहाँ पर चूज़ है, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर वीज़ा 6799 आप यहाँ पर चूज़ कर लो अपना वीज़ा कार्ड, काफ़ी आसान है। और एक बार आप UPI पर ट्राई भी करके देख लेना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फोन इसमें UPI ऐड है, ठीक है, तो वो ट्राई करके देखना, अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप पेमेंट कर लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन टैप बाई है, मैंने कार्ड ऐड कर रखा है, वन टैप बाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं फिंगरप्रिंट और यह प्रोसेसिंग होगा और हमारा UC जो है कि ऐड हो जाएगा। तो होने देते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और पैसा कटने का मैसेज भी आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना पैसा कटा है। ठीक है, ठीक है, UC परचेस हो गया, देखो 60 UC हमारे अकाउंट में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे हमें फ्री क्रेडिट देखने को मिलता है, इसे हम टैप करके ले लेते हैं। यहाँ पे ग्लोबल वाला सिस्टम है, ठीक है, जो ग्लोबल में हमें फ्री परचेस पर देखने को मिलता है ना, वो भी यहाँ पे काम करता है, तो ये एक अच्छी बात है। यानी कोरियन का और ग्लोबल की मिक्सअप है वियतनाम वर्जन, तो अगर कोरियन बैन होता है तो आप इसे ट्राई करना, मज़ा आएगा खेलने में। ठीक है, इसे हम क्लोज करते हैं, हमारा UC बाई हो गया। UC कितना रेट था मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, 82 रुपये 2 पैसा। ठीक है, मैसेज कट का है हमारा बैलेंस, देखो कितना पैसा कटा,
₹85.98। रेट कितना था देखो, ये लिखा है यहाँ पे INR 82.02 इंक्लूडिंग 5% TCS, ठीक है, 5% टैक्स ऐड होके ₹85 यहाँ पे हो चुका है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितना का भी आप पेमेंट करोगे तो 5% एक्स्ट्रा आपका कटेगा, ठीक है, ये कार्ड का चार्ज जो है कि आपको कटने का मतलब कि कट जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पबजी VNG यानी वियतनाम बजे में यूसी बाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास कार्ड है वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों के पास UPI है तो UPI भी यूज़ करके देख लेना। वहीं पे जहाँ पे मैंने आपको कार्ड ऐड करना बताया था वहीं पे आपको UPI ऐड करने का ऑप्शन आएगा, UPI डाल देना। और अगर कोशिश करना कि दूसरे फोन में UPI आपका हो तो सही रहेगा, नहीं तो एक ही फोन में रहेगा तो कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, वो आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट से कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चाहते हैं किसी खास टॉपिक वीडियो देखना भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल अपना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मैं वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।